स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग पर। तो आज मैं ले आया हूँ ये थंकेबल विंडो। तो जैसा कि आप लोग ने देख ही लिया होगा मेरा code.org और v5 एडिटर वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले जाकर देख लीजिए। तो मैं बिना आपका समय बर्बाद किए यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करता हूँ। मैंने थंकेबल पर लॉग इन कर रखा है, तो आप भी कर लीजिए, इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ स्टार्ट में जाके यहाँ पर मैं T-Rex वाला, हम लोग को जैसा कि आप जानते हैं अभी APK जनरेट करना है, तो मैं इसमें क्या बोलते हैं ये एक T-Rex नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों आपके आगे कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म खुलेगा जहाँ पर यहाँ पर कुछ होंगे, हो सकता है आपका ये ऐसा खुले तो आप एरो क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए और इसे इस मोड में ले आइए। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ऐड कंपोनेंट्स में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको वेब व्यूअर मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऑफिशियली ये बन रहा था, आप ये यूजर इंटरफेस खोल लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक वेब व्यूअर मिलेगा, आप इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले जाइए। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये वेब व्यूअर का खुल गया है। अब हम लोग को यहाँ पर एक URL डालना होगा, तो उसके लिए सीधा चलते हैं V5 एडिटर वाले विंडो पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हमारे V5 एडिटर के T-Rex वर्जन वाले पेज पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करेंगे और शेयर पर जाएंगे, तो देखिए दोस्तों आपको एम्बेडेड प्रेजेंट फुल स्क्रीन और एडिट वाला आएगा। तो आप प्रेजेंट पर डबल क्लिक करके कंट्रोल सी दबा दीजिएगा, तो फिर ये शेयर का लिंक कॉपी हो गया। अब फिर से चलते हैं सीधा थंकेबल वाले स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए यहाँ पर थंकेबल वाले विंडो पर। अब यहाँ URL पर मैं Ctrl+V क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला पूरा सेव हो गया। अब हम लोग प्रीव्यू पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीव्यू लोड हो रहा है, इसे कुछ समय लगेगा, 2 से 4 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए जैसे जैसे ये आगे लोड होता है ये अपना बदलता रहता है। तो ये देखिए ये आ गया है, देखिए लोडिंग का ऑप्शन भी आ गया है इसमें प्रीव्यू का। देखिए मैं यहाँ पर हूँ। अब दोस्तों ये क्योंकि ये फ़ोन में रन हो रहा है तो हम लोग फ़ोन विंडो ही देख रहे हैं दोस्तों। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आउट हो गया हूँ। तो फिर यहाँ पर आप स्क्रॉल करके रिस्टार्ट पर क्लिक कर लीजिए और फिर वापस स्क्रॉल बैक कर लीजिए। इतना सा दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो मैनेजेबल है दोस्तों, ये आराम से हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि एकदम परफेक्टली रन हो रहा है, स्पेस बार क्लिक करने पर ये कूद भी रहा है। तो फिर आप सीधा यहाँ पर आप ऊपर में देखोगे दोस्तों एक तो डाउनलोड का ऑप्शन है, ये रहा दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप बिना क्लिक किए अगर आप खाली ऐसे यहाँ पर पॉइंटर लेकर जाओगे तो एक iOS ऐप, मतलब कि अगर आपके पास iPhone या वैसा कोई वर्जन है तो आप iOS ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड डाउनलोड करिए और फिर ये APK आप अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर आप इसे खेल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा P5 एडिटर और code.org वाला वीडियो, क्योंकि उसमें पूरा कोड है। ठीक है, मैं उन दोनों के लिंक्स अभी आई बटन पर भी डाल दिया है मैंने, और मैंने उसे कार्ड्स भी बना के लास्ट में रख दिया है, तो आप वीडियो के एंड में आप उसका देख सकते हो। तो आप पहले code.org वाला देखिएगा, फिर P5 वाला, और फिर ये वाला वीडियो आप वापस देख लीजिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में आपके लिए नया वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।